हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप देख रहे हैं 29 वीडियो हो चुके हैं, ये 29वां वीडियो है। आप इसमें देखें, अदर अदर स्केच दिखाई गई है। ये मॉडल को दिखाया गया है, मॉडल बनवाया गया था स्टूडेंट से। ये रोज़ है, ये स्टूडेंट का भी वर्क 29वें क्लास में दिखाया गया है। इसमें कुछ करेक्शन किए गए हैं और आप देखेंगे ये शेडिंग शेडिंग का कार्य अभी तक आपको सिर्फ पेंसिल के ही विषय में बताया गया था, पेंसिल का ही ड्रॉ के बारे में बताया गया था। अब इसी को शेडिंग के लिए भी दूसरा ऑप्शन है, उसे शेडिंग का काम भी इसी पेंसिल स्केच में किया जा सकता है। आप शेडिंग के लिए बाज़ार में स्टेशनरी पर उपलब्ध हैं, शेड करने के लिए कुछ चीज़ें वो ले सकते हैं, वरना तो कॉटन से भी कर सकते हैं। और हमारे उस्ताद ने तो जब सिखाया था मैं तो कागज़ का कोन बना लेते थे, उसी से शेड करते थे और कॉटन से भी करते थे। अब आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये शेड कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा ये स्टूडेंट का वर्क है। आप देखें, ये इस तरीके से पेंसिल के ऊपर आपकी लगभग कमांड पूरी हो जाना चाहिए 29 दिन में। अगले पायदान में आपको कदम रखना चाहिए, इसके बाद अगला कार्य शुरू होगा, इसके ऊपर के कार्य शुरू होंगे, इससे आगे के कार्य शुरू होंगे। पेंसिल की कमांड के बाद में आपको आर्टिस्ट्री की ओर अगला कदम बढ़ाना है, इसलिए आप तैयार रहें आगे के कार्यों के लिए। अभी तक जो कार्य किए गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक कार्य थे, पूरे 30 दिन का ये कोर्स मान के चले थे हम। कल भी आपको एक स्वामी विवेकानंद का पोर्ट्रेट बनाकर दिखाया जाएगा और वो फास्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। शेड वगैरह आपको उसमें इसी प्रकार से शेड करके दिखाए जाएंगे, आपको अगले कदम के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसलिए आप ये पूरा कोर्स, जो सीखने वाले हैं बच्चे, जिनको सीखने की चाह है या जिनके अंदर लगन है या जो आर्ट से बीए एमए कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है। बार बार मैं इसी बात को बताता हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इस कोर्स को एक तरीके से डाउनलोड कर लें, पूरे 300 वीडियो को, अभी 30वां वीडियो पढ़ा नहीं है, ये 29वां वीडियो है, और इसको डाउनलोड करके बच्चों के लिए रखें और उनको दिखाएं और ख़ुद भी समझें। इसमें टैलेंट दिखाना इतनी आवश्यकता नहीं, टैलेंटेड वीडियो नहीं है ये, ये सिर्फ सीखने के लिए है। ये वीडियो 5-5 मिनट के बनाए गए हैं, बार बार मैं आपको यही बात बताता रहा हूँ और सीख के। और कमेंट करें हमें कि इससे क्या सीखा, क्या पाया, इससे हमारा भी आगे आपको बताने का वो बढ़ता रहेगा, हम किस तरीके से आपको आगे कार्य करवाएं। और लगभग ये भी वीडियो पूरा हो गया है और आप देखते रहें, धन्यवाद।